संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी 31 जनवरी को ही पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 जनवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बार बजट सत्र में ज्ञान GYAN थीम पर सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। GYAN थीम गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर बेस्ड है। बजट सत्र में सरकार NPS और सेल्फ हेल्प ग्रुप और किसान सम्मान निधि के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। ब्रिटेन में चीन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्लोबल टाइम्स के लेख का हवाला देकर कहा है कि चीन भी भारत की उभरती ताकत को मान रहा है। चीन भी अब भारत की वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक ताकत को मानता है। भारत और चीन के बीच संबंध इस समय तनावपूर्ण है, पर हमें अपने पड़ोसी और दुनिया भर के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। महाराष्ट्र में 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट चुनौती देगा। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। नार्वेकर ने कहा, फैसले पर सवाल उठाने वाले बिना सबूत आरोप लगा रहे हैं। वे अगर कोर्ट जाएंगे तो वहां भी उन्हें सबूत देने होंगे। नार्वेकर के फैसले को उद्धव ठाकरे ने मैच फिक्सिंग बताया तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फैसले को सच्चाई और लोकतंत्र की जीत करार दिया। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से अहमदाबाद के लिए इंडिगो फ्लाइट का वर्चुअल उद्घाटन किया। पहली फ्लाइट से यात्रा करने के लिए राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान की वेशभूषा में युवा एयरपोर्ट पहुंचे। सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मौके पर कहा, बहुत जल्द हम उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे देंगे। अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद में 1 महीने में एक साथ एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। वहीं आज से हरिद्वार से अयोध्या की बस सेवा की शुरुआत की गई है। भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में PCA IS बिंद्रा स्टेडियम में शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। वहीं विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ पहला T20 मैच नहीं खेलेंगे। विराट व्यक्तिगत कारणों से सीरीज के इस पहले T20 का हिस्सा नहीं होंगे।